एक बहुत भूखी चुड़ैल अपने शिकार की खोज में आसमान में उड़ती हुई जा रही थी। जब एक चुड़ैल गांव से होकर गुजर रही थी तो उसने देखा वो गांव बहुत तेज भूकंप के झटके से तहस नहस हो गया था। तभी उसके कानों में जोर जोर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तभी चुड़ैल आवाज सुनकर आसमान से धरती पर आई और एक टूटे हुए घर के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची जमीन पर लेटी हुई थी और रो रही थी। उसके माता पिता के घर के अंदर की ही दीवार से दबकर मौत हो गई थी। चुड़ैल ने देखा कि उस घर में उस बच्ची के अलावा कोई भी नहीं था। चुड़ैल ने तुरंत उस बच्ची को गोद में उठा लिया और लेकर अपने घर की ओर चल दी। आसमान से घर जाते समय वो उस बच्ची को देखकर बोली, आज बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है, आज तो मैं इस बच्ची को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो कितना स्वादिष्ट मांस खाने को मिला है। तभी चुड़ैल खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ गई और फिर उस बच्ची को उसने एक स्थान पर रख दिया। बच्ची को जैसे ही जमीन पर चुड़ैल ने रखा उसने तुरंत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने ये देखकर उसे अपनी गोदी में ले लिया। चुड़ैल ने देखा कि बच्ची गोदी में आते ही फिर से चुप हो गई है। चुड़ैल बच्ची के रोने की आवाज से बहुत परेशान होकर उसने तय किया कि बच्ची को गोद में लेकर ही वो सारे काम करेगी। चुड़ैल ने उस बच्ची के लिए दूध का भी इंतजाम कर दिया और उसने उस बच्ची को दूध पिलाया और रात भर अपनी ही गोदी में उसे सुलाया। बच्ची भी चुड़ैल से लिपट कर आराम से सोती रही। अगले दिन चुड़ैल को अचानक से न जाने क्या हुआ, अभी मेरा मन इस नन्ही सी बच्ची को खाने का नहीं हो रहा है, अभी के लिए मैं इसकी देखभाल और लालन पोषण करती हूँ, बाद में देखा जाएगा। इस तरह चुड़ैल की गुफा में नन्ही सी बच्ची पलती रही। चुड़ैल को भी न जाने क्या होता जा रहा था। धीरे धीरे उस बच्ची को देखे बिना वो नहीं रह पाती थी। बच्ची की देखभाल में उसने दिन रात एक कर दिया था। उस चुड़ैल ने उसका नाम नेहा रखा था। इसी तरह चुड़ैल उसे बहुत प्यार करती और उसकी देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करती और नेहा चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। अब नेहा बड़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, नेहा चुड़ैल से पूछती है, माँ मैं आपसे अलग क्यों दिखती हूँ, चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। चलो आप जितना भी करती हो, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर नेहा चुड़ैल माँ से लिपट गई। तभी चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी ओर पास वाली गुफा की चुड़ैल इस बात से बहुत गुस्सा थी कि कैसे एक इंसान की बेटी चुड़ैलों के बीच पल सकती है। इस लड़की को मार दे तू, नहीं तो हम ही लोग मार कर खा जाएंगे। किसकी इतनी हिम्मत कि कोई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उस दिन तो चुड़ैल की ये बात सुनकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन चुड़ैल को ये पता था कि सभी चुड़ैल उसकी बेटी नेहा को मारना चाहते हैं। वो सब कोई न कोई मौका मिलते ही नेहा को मार कर खा जाएंगे। ऐसे ही चुड़ैल को नेहा की देखभाल और रक्षा करते हुए कई साल बीत गए। नेहा बड़ी हो गई थी और विवाह के लायक थी। नेहा अब बड़ी हो गई है, अब मैं इसकी शादी करवा देती हूँ। जब मेरी नेहा बेटी ससुराल चली जाएगी तो दूसरी सभी चुड़ैल नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। नेहा बेटी की शादी तो एक इंसान से ही करनी होगी, क्योंकि नेहा भी तो एक इंसान ही है। तभी चुड़ैल एक इंसानी रूप में आ जाती है और अपनी बेटी नेहा के लिए वर की खोज में लग जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल को जैसे वर की तलाश थी उसे वैसा ही वर मिल जाता है। उसने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करा दी और विदाई के वक्त चुड़ैल ने अपनी बेटी से कहा, देख बेटी, तुझे मैं एक जादुई अंगूठी देती हूँ, तू इस अंगूठी को हमेशा अपने साथ ही रखना, यहाँ की दूसरी चुड़ैल तुम लोगों पर हमला नहीं कर पाएंगी। बस तुम अपना हाथ आगे कर देना, बाकी का काम ये अंगूठी खुद ही कर देगी। नेहा अपनी चुड़ैल माँ के गले लगकर बहुत रोती है और अपनी चुड़ैल माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अपने पति के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। कुछ दूर जाने के बाद दूसरी चुड़ैल नेहा को रास्ते में ही रोक लेती है और कहती है, अरे वाह, तुम शादी करके जा रही हो,
तो शादी की दावत में खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे पति को खाकर मौज मस्ती कर लेंगे। जैसे ही चुड़ैल नेहा और उसके पति को खाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही नेहा ने अपना अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया। अंगूठी में से बहुत तेज बिजली निकली, जिससे चुड़ैल को बहुत जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो वहाँ से भाग गई। इस तरह नेहा उसका पति बिना किसी कठिनाई के अपने ससुराल पहुँच गई। फिर कभी भी दूसरी चुड़ैल ने उनको तंग करने का साहस नहीं किया। इसी तरह नेहा को जब भी अपनी माँ की याद आती तो वो बेखौफ होकर उनसे मिलने के लिए चली जाती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।